जय हिंद दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड रिसर्च सेंटर चैनल पे स्वागत है। देखिए कुछ हिंदी के शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 7 से लेकर के 10 में कुछ वाक्यांश भी दिए गए हैं। ठीक है, इसको आज हम संकेत लिपि में बदलेंगे। अभ्यास 11 है हमारा, संकेत लिपि में लिखो, उसी को आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए सीरियल नंबर 1 में पहला शब्द दिया गया है टीम। ठीक है, तो हम टै बनाएंगे फिर म बनाएंगे, ये हमारा व्यंजन हो गया। अब स्वर लगाइए, ट पे बड़ी की मात्रा है ना, तो ट पे बड़ी की मात्रा लगाने के लिए क्या करेंगे, अपने आगे आने वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे। क्या हो गया, टीम। अब देखिए अफीम, हम पहले व्यंजन को लिख लेंगे फ म। अब देखिए फ के पहले अ की मात्रा है, अ की मात्रा लगा दिए और फ पे बड़ी की मात्रा भी है। ठीक है, तो फ पे बड़ी की मात्रा कैसे लगेगी, जो अगला व्यंजन है उसके पहले बड़ी की मात्रा तीसरे स्थान पे लग जाएगी। बूट, ये आपका ब हो गया और ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा किनारे लिखते हैं, ब ट। अब ब पे बड़ाऊ की मात्रा है तो क्या करेंगे, ट के पहले हम बड़ाऊ की मात्रा लगा देंगे। मूल, मैं लिखे फिर ल लिखे, मैं पे बड़ाऊ की मात्रा है, ये मूल हो गया। मेल, म ल म पे ए की मात्रा लगा दिए, मेल हो गया। अब देखिए सीर, स हो गया र हो गया। ठीक है, अब स के बाद बड़ी की मात्रा है तो कहां लगेगा, र के पहले तीसरे स्थान पे, सीर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा सीरियल नंबर झूठ, झ झ बना के फिर ट बना के काट दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, अब झ पे बड़ाऊ की मात्रा लगानी है तो ठ के पहले हम बड़ाऊ की मात्रा लगा देंगे, ये क्या हो गया, झूठ। अब देखिए मूसा, ठीक है, न बना के काट दिए तो क्या हो गया, म हो गया और म पे बड़ाऊ की मात्रा यहां आ गया और स पे आ की मात्रा, क्या हो गया, मूसा। ये देखिए बूरा, ब बनाया र बनाया, ब पे बड़ाऊ की मात्रा है तो र के पहले तीसरे स्थान पे बड़ाऊ की मात्रा, ब ऊ और र पे आ की मात्रा, बूरा हो गया। सूत, स पे बड़ाऊ की मात्रा है, सूत हो गया। नीला, मैं बना के काट दिया तो क्या हो गया, न हो गया, अब यहां पे तीसरे स्थान की मात्रा यहां पे आएगी, ये क्या हो गया, न पे बड़ी की मात्रा, नी और ला पे आ की मात्रा हो गया, नीला। हीरा, ह को यहां तक देखिए ह है, ह को और बढ़ा दिया तो इसी में क्या जुड़ गया, र, अब ह पे बड़ी की मात्रा है तो यहां पे ह पे बड़ी की मात्रा यहां लग गया, र के पहले तीसरे स्थान पे ही हो गया और र पे आ की मात्रा, जहां से र शुरुआत हुआ वहीं पे आ की मात्रा लगा देंगे, हीरा हो गया। खूब, ख बना के का बना के काट दिया तो ख हो गया, अब ऊ की मात्रा यहां पे ब के पहले तीसरे स्थान पे, खूब हो गया। टीका, ट पे बड़ी की मात्रा है तो टी और क पे आ की मात्रा, टीका हो गया। खीरा, ख पे बड़ी की मात्रा और र पे आ की मात्रा, खीरा हो गया। काली, क्या हो गया, क पे आ की मात्रा है ना, का हो गया और ल पे बड़ी की मात्रा, काली हो गया। धीमा,
कट दिया, ध पे बड़ी की मात्रा, ध ई और म पे आ की मात्रा, धीमा हो गया। पीर प हो गया, र हो गया, प पे बड़ी की मात्रा है, पी और र पीर हो गया। कीला क पे बड़ी की मात्रा है ना, क पे बड़ी की मात्रा की और ला पे आ की मात्रा, तो कीला हो गया। पेटी प हो गया, ट हो गया, प पे ए की मात्रा, ट पे बड़ी की मात्रा, पेटी। मूली म ल, म पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे यहां पे, मुंह हो गया और ल पे बड़ी की मात्रा यहां पे लगाएंगे, मूली हो गया। ठीक है। मोटी न बना के काट दिया, म हो गया, अब ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा यहां लगा देंगे, मो हो गया और ट पे बड़ी की मात्रा, मोटी। ठीक है। पीठ प पे बड़ी की मात्रा यहां लगी है, पी हो गया और ठ हो गया, पीठ। दाम ड पे आ की मात्रा हो गया और मा हो गया। काम क पे आ की मात्रा और मा हो गया, काम। अब यहां पे देखिए, मेरी टीम जीत गई। ठीक है। तो म बनाएंगे, फिर र बनाएंगे, म पे ए की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, मेरी हो गया। अब यहां देखिए, टीम लिखिए, ट बनाएंगे, म बनाएंगे, ट पे बड़ी की मात्रा, म के पहले तीसरे स्थान पे और म, टीम। जीत ज पे बड़ी की मात्रा यहां बनाइए, ज पे बड़ी की मात्रा, जीत और ग और बड़ी की मात्रा यहां लग जाएगी। पूर्ण विराम का संकेत ये होता है। ठीक है। छोटा सा क्रॉस कर देंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, पूर्ण विराम। पेड़ प हो गया, र बना के काट दिया, प पे ए की मात्रा, पे और ड, के क बना के ए की मात्रा लगा दिए, के मूल में पानी दो, तो म हो गया, ल हो गया, म पे ऊ की मात्रा, ल के पहले चली जाएगी तीसरे स्थान पे। ठीक है। मुंह म हो गया, ऊ की मात्रा मुंह और ल, मूल में प पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, पानी दो। ठीक है। वह अफीम खाकर मर गया। देखिए, वह हो गया, अब इसी में ह बना देंगे, क्या हो गया, वह अफीम, यहां अ हो गया, फ हो गया, फ पे बड़ी की मात्रा है, अफीम खाकर, ख पे आ की मात्रा लग गई, खा ये क और र हो गया, खाकर मर गया। यहां पे देखिए, मां पे बड़ाओ की मात्रा है, ठीक है, मां और स हो गया, अब मां पे बड़ाओ की मात्रा लगाएंगे, यहां पे देखिए न बना के काट दिए, तो क्या हो गया, म और स, तो म पे बड़ाओ की मात्रा यहां पे आएगी, स के पहले तीसरे स्थान पे, मुंह और स पे आ की मात्रा होगी। मूसा भाग, भ पे आ की मात्रा, फिर ग, भाग गया। ठीक है। आ की मात्रा लगा देंगे, गया हो गया। सेठ जी से हो गया और ठ हो गया, सेठ ज पे बड़ी की मात्रा, जी और यहां पे देखिए न बना के ए की मात्रा, ने मीठे मीठे, न बना के काट दिया, म और ट बना के काट दिया, म ठ
हो गया। और म पे बड़ी की मात्रा कहाँ आएगी? ठ के पहले तीसरे स्थान पे। मी और ठ पे ए की मात्रा, मीठे हो गया। ऐसे यहां भी लिख देंगे मीठे मीठे, आम आ पे म पे आ की मात्रा पहले है तो व्यंजन के पहले स्वर आ गया आ, और म खाए, यहां ख हो गया, ख पे आ की मात्रा और ये पे ए की मात्रा हो गई खाए। या फिर देखिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो यहां देखिए म पे बड़ी की मात्रा है, मी, म पे बड़ी की मात्रा यहां लगा देंगे, मी हो गया और ना मीन हो गया, सेठ स हो गया, ट बना के काट दिया, स पे ए की मात्रा सेठ, सीरा स हो गया, र हो गया, स पे बड़ी की मात्रा यहां आ जाएगी, ठीक है, सी हो गया और र पे आ की मात्रा यहां आ गया, सीरा हो गया, चीनी च हो गया, न हो गया, च पे बड़ी की मात्रा ची और न पे बड़ी की मात्रा नी, चीनी। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, च हो गया, म बना के काट दिया, न हो गया, च पे बड़ी की मात्रा यहां आ गई ची और न, न पे बड़ी की मात्रा चीनी, टीन ट पे बड़ी की मात्रा यहां आ गई टी और न, टीन। और फिर देखिए रीम, र हो गया, म हो गया, र पे बड़ी की मात्रा यहां आ गया रीम हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए जो भी हिंदी दी गई थी उसको जब मैंने संकेत लिपि में लिखा तो कुछ नियम को फॉलो किया है, ठीक है। तो अगर आपको वो नियम समझ में ना आ रहा हो, जैसे कि अभ्यास 10 और 11 के पहले ही कुछ नियम दिए गए हैं, ठीक है, तो मैंने पहले अपने आई थिंक डे 9 में ही शॉर्ट हैंड सीखने के 5 महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताया था, ठीक है। तो बुक में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी में बताया गया है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। तो मैंने क्या किया है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में 5 नंबरिंग करके, 5, 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 सीरियल नंबर करके उसको मैंने शॉर्ट में करके समझा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नियम फॉलो किए गए हैं उसी नियम पे आधारित हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे इसको संकेत लिपि में लिखने में, तो आप सीधे उस पे डे 9 वाले अभ्यास पे आप जाएंगे, उसमें लिखा होगा कि शॉर्ट हैंड सीखने के 5 महत्वपूर्ण नियम, पहले आप उसे पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे कैसे मैंने नियम को बताया है, कैसे इस पे फॉलो किया है, ठीक है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी नियम दिए गए हैं 3-4 पेज में दिए गए हैं उसको, तो उसको न केवल उसी वीडियो को पढ़ के उसके बाद फिर इसको आप अभ्यास करेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसे समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह से हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।